दोस्तों इस समय हम ग्राम बैष्णोपुर विकासखंड बहादुरपुर जनपद बस्ती के अंत यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमारी जी से मुलाकात हुई है और इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। इस समय गांव की सरकार बनाना है तो जिसमें इन्होंने अपने पुत्र को ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी खड़ा किए हैं और इस समय इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। संजोग बस है कि इनके पुत्र से मुलाकात नहीं हो पाई है, वो गए हैं चुनाव प्रचार में। इस समय राम कुमारी जी आप क्या जनता से अपील करना चाहती हैं? इस समय आप पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं और 2010 में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं अपने ही ग्राम सभा से। इस समय आपको मौका फिर मिला है चुनाव लड़ने का, तो आप नहीं अपने पुत्र को लड़ा रही हैं, तो क्या जनता से अपील करना चाहती हैं? जनता से नमस्कार है। सब जनता से चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा बैष्णोपुर से और एक बार कुदराहा क्षेत्र से जिला पंचायत रह चुके हैं। अब इस समय पति के एक्सपायर होने के कारण से हम अपने पुत्र को चाह रहे हैं कि हमारे पुत्र जो है बैष्णोपुर ग्राम सभा लड़ने लायक पुत्र को मौका आ रहा है। तो ग्राम वासियों से निवेदन है, गुजारिश है कि छोटा भाई इनका है, बेटा है और सब लोग मिल करके इनको मौका दें। इन्हों आपकी दाई मौका पावें, जनता का सेवा करें ताकि हमारी राजनीति धूमिल न हो, हमारी राजनीति निर्वंश न हो। एक बार पुत्र को आप लोग जनता से गुजारिश है कि इनको आगे करें। हमारा यही सिफारिश है कि आप लोग का सेवा चंद्रभान यादव बेटा को भी मौका मिले और हमारे जनता को सेवा करें। हमारा यही विचार है और यही वो है।